ये देखो यार, यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये देख लो यार, वाओ, योर चैनल्स व्यूज आर अप 46% एज मोर व्यूअर्स आर फाइंडिंग वन ऑफ योर वीडियोस फ्रॉम सर्च रिजल्ट। ओके, काफी ज्यादा लोग जो है मेरी वीडियो को सर्च रिजल्ट से फाइंड कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, मैं वीडियो की एसईओ करता हूँ जिसकी वजह से मुझे इतने सब्सक्राइबर्स एक दिन में मिल जाते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लाइव प्रूफ आ जाते हैं। ओके, ये तो लास्ट 28 डेज है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कस्टम पे। ओके, कस्टम पे, यहाँ पे अगर मैं कस्टम पे आ जाऊँ तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ यार 2 जुलाई। ओके, 2 जुलाई। ओके, 2 जुलाई से 2 जुलाई तक एक दिन का, यानी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखो यार, आपके सामने है एक दिन का, यहाँ पे एक दिन में मुझे कितने 27.5K व्यूज मिले हैं। ओके, वाच टाइम कितना है, 898 hours, यानी 900 घंटे का वाच टाइम एक दिन में मुझे मिल चुका है। ओके, 4000 घंटे का चाहिए, एक दिन में मुझे 900 का मिल चुका है। अब मेन बात कर लेते हैं सब्सक्राइबर्स की। ओके, यहाँ पे 731 सब्सक्राइबर्स मुझे एक दिन में मिले हैं। ओके, एक दिन के अंदर 731 सब्सक्राइबर्स। ओके, पहले लाइव प्रूफ देख लो, सारा कुछ बाद में दिखाता हूँ, वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना, तभी आप एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर सकोगे। ओके, वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पे ये था 2 जुलाई का। ओके, यहाँ पे मैं आ गया। ओके, जुलाई के मंथ पे, ये देखो जुलाई। अब जुलाई के मंथ में आने के बाद ये यहाँ पे क्या आपको दिखा रहा है, जुलाई 1 से लेके जुलाई 2 तक। ओके, 1 जुलाई से 2 जुलाई 2020 तक ये यहाँ पे क्राइटेरिया आपको दिखा रहा है सारा। ओके, ये 2 दिन के अंदर मुझे कितने व्यूज मिले, 43.8K मुझे 2 दिन के अंदर व्यूज मिले। ओके, वाच टाइम मुझे कितना मिला, 1.4K वाच टाइम मिला। ओके, 1.1K सब्सक्राइबर्स, यानी कि 1100 प्लस सब्सक्राइबर्स मुझे यहाँ पे देखने को मिले 2 दिन के अंदर। ओके, इसके अलावा यार अगर मैं आपको दिखा दूं लास्ट 48 hours में मेरे पास कितने 54K व्यूज आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे 11058 सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं, जबकि मेरे परसों थे कितने सब्सक्राइबर्स, 9400 या 50-60 इतने सब्सक्राइबर्स थे मेरे। ओके, इतने यानी 3 से 4 दिन के अंदर ये मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हुए 11000। ओके, यानी कि समझ लो यार 1500-2000 सब्सक्राइबर्स मेरे ने इंक्रीज किया 3-4 दिन में। तो यहाँ पे आपके सामने लाइव प्रूफ है, 1.1K सब्सक्राइबर्स आपके सामने है 2 दिन के। ओके, एक दिन के 700 समथिंग है, 700 प्लस है, और यहाँ पे 2 दिन के कितने 1.1K यार, आप भी गेन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको सारा कुछ बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना। हे सो व्हाट्सअप गाइस, यार कैसे हो आप यार, ये नई टी शर्ट मैंने यूट्यूब के लिए बनवाई है, देख के बताना कैसी लगी। ओके, इसके अलावा यार आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप यूट्यूब के ऊपर पहले 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक दिन में, एक मंथ, एक साल। ओके, ये नहीं बताने वाला, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर, यानी 24 घंटों के अंदर कैसे आप अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाला हो, ऐसी टिप्स, ऐसी ट्रिक्स। ओके, ऐसा तरीका आपका भाई आपको बताने वाला है जो पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई बंदा नहीं आपको बताएगा। ओके, वही तरीका जो मैं यूज करता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन यूट्यूब चैनल्स पे जिन पे मेरे 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स कंप्लीट है, और इस चैनल पे मेरे कल 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे, देख लेना मैंने स्टोरी में लगाया था, और अब मेरे 11,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं एक दिन के अंदर। तो यार ये मैंने कैसे गेन किए हैं एक दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स, तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हो, अगर आप उन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो यार आपके भाई की गारंटी है आपको एक दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स जरूर मिलने वाले हैं। तो चलो यार आपने वो 5 स्टेप्स को फॉलो कैसे करना, पहले ही बात किए कि 5 स्टेप्स क्या है, तो यार यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पहला स्टेप है रीच। ओके, जब तक आपकी वीडियो के ऊपर रीच नहीं आएगी आपको व्यूज नहीं मिलेंगे। अब बात करोगे रीच क्या होती है, पहले देख लो रीच क्या होती है। तो यार रीच कैसे मैटर करती है वो देख लो, यहाँ पे रीच है मुझे कितने 314K यहाँ पे इंप्रेशन मिले हैं। ओके, कितने दिन में, ये देखो 2 दिन के अंदर। ओके, यहाँ पे इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो है 12.2% जा रहा है मेरा। ओके, 314K का 100% लगाओ, उनमें से 12% जो है मेरा इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है, यानी कि लोग सर्च से मेरी वीडियो को क्लिक कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आके यूट्यूब पे किसी ने ये कीवर्ड सर्च किया, ओके, उसे मेरी ये वीडियो मिली, ओके, उन्होंने इस पे क्लिक कर दिया। इसका क्या मतलब है, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट। ओके, 12% लोग जो है इतने में से, यानी 314K में से 12% लोगों ने
मेरी वीडियो को क्लिक किया है, उसे देखा है आपके यूट्यूब सर्च में थे। यहाँ पे देख लो यार, अगर ये आपका 10% भी है तो मतलब आपकी वीडियो वायरल जाने वाली है। ओके, यहाँ पे ये 12.2 है, मतलब वीडियो वायरल जा चुकी है। यहाँ पे यार मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो व्यूज। ओके, व्यूज 43.8K व्यूज, कितने दिन में? 2 दिन के अंदर। ओके, यहाँ पे ये व्यूज है। ओके, यानी कि अगर आपकी वीडियो ज्यादा लोगों तक जाती है, यानी 3,14,000 बंदों तक गई, उनमें से 43,000 यानी 44,000 बंदों ने मेरी वीडियो को देख लिया। ओके, इसका मतलब है आपकी वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इतने व्यूज अगर आ जाए, इतने इंप्रेशन पे आपको बहुत जो है रीच मिल जाती है। अगर मैं आपको लाइव टाइम यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख के हैरान रहने वाले हो। याद रखे, मुझे इतने ज्यादा इंप्रेशन कैसे मिल सकते हैं? ये देखो 12.5 मिलियन यार, 12.5 मिलियन यहाँ पे इंप्रेशन मुझे मिले हैं आज तक। ओके, 1.5 मिलियन व्यूज है यहाँ पे, लेकिन इंप्रेशन की बात कर रहे हैं, रीच की। इतने लोगों तक आपकी वीडियो जाएगी तब आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, तभी आपकी वीडियो को लोग सर्च करके यहाँ पे क्लिक करने वाले। ओके, तो यार आपने देख लिया रीच क्या होती है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, तो वो है यार टैग्स। जी हाँ गाइस, आप कहोगे हर बंदा टैग्स बताता है, ये भी टैग्स ही बता रहा है। तो यार टैग्स के अलावा आप वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं ला सकते। ओके, अगर आपका नया चैनल है, आपको टैग्स के अलावा व्यूज नहीं मिलने वाले। अब आपने वो टैग्स कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, कैसे यूज करना है, आपका भाई आपको बताता है वीडियो पे। देखो थोड़ा सा, ओके, लाइव प्रूफ थोड़ा सा। तो यार अब बात कर लेते हैं टैग्स पे। ओके, टैग्स कैसे आपने यूज करने हैं, कैसे वीडियो में यूज करने है, वो देख लो। यहाँ पे आपने YouTube में आना है। ओके, फर्ज करो आप देखना चाहते हो, आजकल पाकिस्तान में PUBG बैन कर देगी, यार उस पे कौन सा टैग यहाँ पे बेस्ट रहेगा? ये देखो यार, हाउ टू प्ले PUBG इन पाकिस्तान। ये देखो यार, हाउ टू प्ले PUBG इन पाकिस्तान आफ्टर बैन। ओके, यहाँ पे ये जो YouTube की सर्च रिजल्ट में आपको टैग देखने को मिलेगा। ओके, जो सर्च रिजल्ट में, ये देखो यहाँ खुद YouTube आपको सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब लोग यहाँ पे ये टैग को सर्च कर रहे हैं। अगर मैं इस पे एंटर करता हूँ, ये देखो एंटर करने के बाद आपके सामने इसका सारा आ गया, इसकी कीवर्ड कितनी, इसकी डेंसिटी है, इसका जो कंपटीशन है वो कितना, वो सारा यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे ये देखो, ये मेरी ही वीडियो आ गई। अब मैं आपको इन टैग्स का कमाल दिखाता हूँ। ओके, इन टैग्स का सारा कमाल आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे ये एड चल गया, मैं इसे पॉज करता हूँ। ये देखो यार, ये मेरा कीवर्ड था, इस पे मैंने अपनी वीडियो प्ले की। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं टैग्स के ऊपर। ओके, ये देखो यार, ये रहे मेरी वीडियो पे टैग्स, सभी के सभी टैग्स रैंक कर रहे हैं। किस वजह से? ताकि मैंने उन टैग्स को यूज किया है अपनी वीडियो में जो मुझे यूट्यूब की सर्च में। ओके, यहाँ पे ये देखो, ये वाले जो टैग्स है, यहाँ पे ये टैग्स मैंने यूज करे है। देखो, अगर मैं इस वाले टैग को ओपन करता हूँ, इस पे भी मेरी वीडियो सबसे पहले आ रही है। ओके, ये एडवर्टाइजमेंट है, उसके बाद ये वीडियो है, उसके बाद ये मेरी वीडियो है। ओके, यहाँ पे यानी कि आपने वो टैग्स यूज करने हैं जो आपको यूट्यूब की सर्च से मिलते हैं। ओके, काफी ज्यादा आपको यहाँ पे टैग देखने को मिल जाएगा। ये देखो, जैसे कि हाउ टू हाइड इंस्टाग्राम मैसेजेस। ओके, यहाँ पे ये देखो, अगर आप इस टैग को सर्च करते हो, सबसे पहले ये मेरी वीडियो आ गई। ओके, इसके बाद नीचे भी मेरी ही वीडियोज है। ओके, ये वाली भी मेरी वीडियो है, ये भी मेरी वीडियो है। ओके, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि देखो यार, इतना सा आप सर्च करते हो, कितने ज्यादा आपको टैग्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इन सभी को एक एक करके आपने यूज करना है। कोई 10-12 टैग्स आपने यूज कर लेना है अपनी वीडियो में। आपने ट्राई करनी है टैग्स ऐसे लंबे वाले हो, लॉन्ग टेल टैग्स हो, छोटे। तो यार आपने देख लिया आपने टैग्स कहाँ से लेने हैं, किस तरह के लेने हैं। ओके, ये बात होगी हमारी दूसरी, दो टॉपिक हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे अब बात आती है तीसरी। ओके, तीसरा टॉपिक क्या है यार? SEO। ओके, अब बात आती है SEO क्या है यार। आपकी वीडियो के अंदर जो टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन होता है यार, लाइव प्रूफ थोड़ा सा दे। तो यार अब बात कर लेते हैं SEO के ऊपर। ओके, SEO क्या है? आपने जो टैग्स मेरे आपको बताया कि यहाँ पे आपने टैग्स को सर्च करना है YouTube की सर्च में। ओके, वही टैग्स आपने यूज करने हैं अपने टाइटल में, उन्हीं टैग्स को यूज करना है आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में। ओके, और फिर उन्हीं टैग्स को यूज करना है आपने अपनी वीडियो के टैग्स में। ओके, ये देखो सभी के सभी रैंक आ रहे हैं। ओके, इस तरह से अगर आप अपनी वीडियो के टैग्स को यूज करके SEO करते हो, तो यार आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 माह में, 2 मंथ में, 3 मंथ में आपका वीडियो वायरल जरूर जाएगा अगर आपने वीडियो अच्छा बनाया। तो यार आपने देख लिया यहाँ पे रीच, टैग्स और SEO कैसे मैटर करती है। अब बात आती है आपकी वीडियो की। ओके, कंटेंट। ओके, आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए? अगर आपने चैनल स्टार्ट किया है, नया चैनल है, ओके, नीड बेस्ड कंटेंट जनरेट करो जो के लोगों को जरूरत है। ओके, लोगों की प्रॉब्लम अगर आप सोल्व करोगे, जैसे कि मैंने सोल्व की कल,
जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में पबजी बैन कर दी गई थी, मैंने क्या किया पबजी के ऊपर एक वीडियो बनाया कि सब लोग एक वीडियो बना रहे थे कि पबजी पाकिस्तान में बैन कर दी, पबजी बैन कर दी, पबजी बैन कर दी, हर बंदा यही वीडियो बना रहा था। लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने उसका सलूशन निकाला कि अब पाकिस्तान में पबजी बैन है, अब आप पबजी को अनबैन कैसे कर सकते हो, कैसे पाकिस्तान में प्ले कर सकते हो, कि पबजी को कैसे खेल सकते हो। तो यार आपने इस तरह से अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कंटेंट ऐसा जनरेट करना है नीड बेस्ड, ओके, जो लोगों की जरूरत है। ये हमारे हो गए चार टॉपिक, ओके, पांचवा टॉपिक अब क्या है। तो यार आपने अपनी हर वीडियो में कहना है, लोगों को बताना है कि अगर आपको इस वीडियो की समझ नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम है आपको आ रहा अभी भी, तो यार आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पे मैसेज करना है, ओके। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम देख लो साइड पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंस्टाग्राम पे मुझे कितने लोग मैसेजेस करते हैं, मैं सबकी प्रॉब्लम वहाँ पे सोल्व करता हूँ। यही वजह है यार कि मुझे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ अटैच हो जाता हूँ, उनके साथ एंगेज रहता हूँ, ओके। इस वजह से मुझे इतने सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। ये पांच टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हो, इन पांचों स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो, तो यार आपके भाई की गारंटी है आपको एक दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यार इन स्टेप्स को फॉलो करना, अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो फिर नीचे कमेंट करते हो, मुझे कहते हो कि यार मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स एक दिन में नहीं मिले, आपका वीडियो मैंने देखा था, तो यार मैं बता दूं आपने कहीं ना कहीं गलती कर दिया है। जब तक आप इस गलती को सॉल्व नहीं करते आपको सब्सक्राइबर्स नहीं मिलने वाले। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चैनल मेरे मोनेटाइज है, ओके। यहाँ पे मैं आपको बता दूं तीन तीन मोनेटाइज है, पहले मैं लाइव प्रूफ दे चुका हूँ, नीचे वीडियो में देख लेना। तो यार अगर आप प्रॉपर वे से देखना चाहते हो कि YouTube वीडियो की SEO कैसे करे, टैग्स कैसे ले, तो उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, ओके। इसके अलावा यार अगर आप जानना चाहते हो कैसे आप अपना YTM कंप्लीट कर सकते हो 4000 घंटे का, वो भी सिर्फ एक से दो दिन में, तो यार उसके ऊपर आपका भैया आपको वीडियो बना देगा, नीचे कमेंट करके बताना, आपके लिए वीडियो आ जाएगी। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये देखो सारे का सारा ये मेरे फेस पे पसीना है, ओके। तो यार कम से कम इस पसीने की वजह से, गर्मी में बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इस पसीने की वजह से मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ओके, अप्रिशिएट कर देना मुझे, ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिले आपके लिए, ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँ। यार कोई बंदा आपको इतनी गर्मी में वीडियो बना के नहीं दिखाएगा, ये देखो ये पसीना है यार सारा, ये पसीना है, ओके। तो वीडियोज ऐसे नहीं बनती, बहुत मेहनत लगती है, इसे कम से कम लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बने बेल के आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आए, ओके। यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पे उंगली मारो, ये पंजाब मुझे नहीं पता, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ओके, नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो।